हाय फ्रेंड्स, मैं प्रभासिनी आप सभी को स्वागत करती हूँ मेरी किचन पे। आज हम बनाएंगे सब ट्रांसपंजी चावल की पैनकेक। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चावल को पीस के रखा है। अब हम इसमें डालेंगे मिल्क। मैंने यहाँ पर ठंडा मिल्क लिया है। उसके बाद हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, शुगर, 2 बड़े चम्मच शुगर, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 गुनगुना पानी डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर को हम ज्यादा पतला या फिर ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। देखिए बैटर को कुछ इस तरह से बनाना है। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम चावल की पिसे हुए चावल में 1/2 ठंडा दूध और 1/2 गुनगुना पानी लिया था। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बेकिंग सोडा। डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे हम ढककर 15 मिनट के लिए रख देंगे। पंद्रह मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम ढक्कन खोलकर बैटर को थोड़ा मिला लेंगे। अब हम केक बनाने की प्रोसेस में चलते हैं। पहले हम गैस के ऊपर पैन बिठाकर उसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन हमारी अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हम इसमें थोड़ी सी ऑयल डालेंगे और ऑयल को चारों तरफ फैला लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम में कर देकर इसमें बैटर डालेंगे। इसे हम ढक देंगे। एक मिनट के बाद हम ढक्कन उठाकर ये हमारा पैनकेक बन चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसी प्रोसेस में हम और एक पैनकेक बनाएंगे। अब हम इसको ढक देते हैं। अब हम ढक्कन उठाकर देखेंगे कि पैनकेक हमारी बनी है कि नहीं। पैनकेक हमारी बन चुकी है। अब हम इसे निकाल देते हैं।
इसी प्रोसेस में हम और एक बनाएंगे। ये हमारी सॉफ्ट एंड स्पंजी चावल की पैनकेक बन चुकी है। अगर आप सबको आज का रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे रेसिपी को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।